क्या ग्रेड में थोड़ा सच में एक ट्रैप है? अगर सच बोलूं तो हाँ, अगर आप इन शर्त्स को फॉलो नहीं करोगे तो। अगर ग्रेड मेथड को एक पॉजिटिव वे में देखा जाए तो ग्रेड मेथड एक ट्रैप नहीं है। ग्रेड मेथड एक प्रोसेस है फ्री हैंड की तरफ जाने की, लेकिन स्टार्टिंग में जो बिगनर्स होते हैं वो क्या गलती कर देते हैं कि वो ग्रेड मेथड में ही इतना अटक जाते हैं कि वो कभी फ्री हैंड ड्रॉइंग को स्टार्ट ही नहीं करते। मतलब वो ही छोटे छोटे बॉक्सेस बनाएंगे, ग्रेड मेथड्स बनाएंगे और ड्रॉइंग्स अपनी स्टार्ट कर देंगे। आप छोड़ नहीं रहे हो, अगर आप लैंडस्केप भी बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, तो आप ग्रेड मेथड का यूज कर रहे हो, तो सच में आप इस ट्रैप में फंस गए हो। अगर इस ट्रैप में फंस गए तो इस ट्रैप से निकले कैसे? बहुत ईजी है। सबसे पहले आप ग्रेड मेथड को कंप्लीट कर लो, अच्छे से सीख लो, समझ लो और फिर बाद में उसको छोड़ कर लेंगे। ये बहुत, क्योंकि ग्रेड मेथड एक फर्स्ट स्टेज होती है फ्री हैंड की तरफ जाने की। अभी ग्रेड मेथड से हम फ्री हैंड कैसे सीखते हैं, मैं आपको वो सब कुछ बता दूंगी इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ग्रेड मेथड आखिर होता क्या है और ग्रेड आपको कैसे हेल्प करता है फ्री हैंड की तरफ जाने के लिए। मैं सारे के सारे पॉइंट्स कवर कर दूंगी इस वीडियो के अंदर, सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको एक ड्रॉइंग दे दी, समझो मैंने आपको ये वाली ड्रॉइंग दे दी और आपको बोला कि इसको आपको ड्रॉ करना है। अभी इनके लिए हम क्या करते हैं, इसके अंदर ग्रिड्स भर देते हैं, मतलब लाइंस भर देते हैं कुछ इस तरीके से। और इसके अंदर जैसे हमने ग्रिड्स भरे हैं, बॉक्सेस बनाए हैं इतने सेंटीमीटर्स के, सेम सेंटीमीटर्स के हम ये वाले इस पर भी बना देंगे। जब हम इसको बना देते हैं तब हमें क्या देखना है, अभी हम यहाँ पे पूरी की पूरी ड्रॉइंग दिख रहे थे, राइट? अभी इस बार हमें पूरी की पूरी ड्रॉइंग नहीं देखनी है, हमको सिर्फ ये छोटे छोटे बॉक्सेस देखने हैं। ये बॉक्स आपको बनाने में बहुत ईजी जाएंगे, सही है? तो इसको बोलते हैं ग्रिड मेथड। हमने ये तो देख लिया कि ग्रिड्स कहते किसे हैं, मतलब ग्रिड्स होता क्या है। अभी अगर मैं आपको ये बोलूँ कि ड्राइंग में ग्रिड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो शायद आप कमेंट में मुझे गालियाँ दोगे, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में लिखा था ग्रिड एक ट्रैप है। सच बोलूँ तो ग्रिड एक ट्रैप है अगर आप उसको कंटिन्यूअसली यूज करोगे तो। अगर आप एक बिगनर हो तो ग्रिड्स आपको आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो पॉइंट नंबर वन, ग्रिड ड्राइंग के अंदर इम्पॉर्टेंट क्यों होता है? बोला ग्रिड में हम सिर्फ एक छोटा सा बॉक्स बनाते हैं पूरी की पूरी ड्राइंग का, है ना? अगर हम इसी बॉक्स को एकदम शिद्दत से बना दे, मतलब जैसे कि हम फ्री हैंड ड्राइंग बना रहे हैं, क्योंकि हम ये बॉक्स को ट्रेस तो नहीं कर रहे, हमें इसको फ्री हैंड ही बनाना है, तो ग्रिड एक फर्स्ट स्टेप होता है फ्री हैंड की तरफ जाने का। इसलिए अगर आप ये बॉक्स एकदम शिद्दत से बना दोगे ना, तो आप धीरे धीरे ये जो बड़ा वाला बॉक्स होगा बिना ड्राइंग, मतलब पूरी की पूरी ड्राइंग, आप वो भी बहुत अच्छे से बना लोगे। सो इसीलिए ग्रेड्स की जो प्रैक्टिस करना होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर आप ये छोटा बॉक्स नहीं बना पा रहे हो ना अच्छे से, तो आप ये बड़ा, मतलब बड़ी की बड़ी ड्राइंग बिल्कुल भी नहीं बना पाओगे, ये समझ लो। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग ग्रेड्स आर वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर एन बिगनर आर्टिस्ट। दूसरा पॉइंट, ग्रेड हमें फ्री हैंड की तरफ जाने का एक पहला स्टेप ड्राइंग, मतलब मैंने आपको पहले भी बोला था कि ग्रिड है वो हमें फ्री हैंड की तरफ लेके जाता है। कैसे? अभी हमने ये ग्रिड्स बना दिए, ग्रिड स्टार्टिंग में हम 2 सेंटीमीटर के लेंगे, बाद में धीरे धीरे हम ग्रिड्स की साइज बढ़ाते जाएंगे, 3 सेंटीमीटर लेंगे, 4 सेंटीमीटर लेंगे, 5 सेंटीमीटर लेंगे। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि हम पूरी की पूरी ड्रॉइंग में सिर्फ 2 लाइन्स होंगे, मतलब पूरी की पूरी ड्रॉइंग है उसके अंदर सिर्फ 2 लाइन्स है और आप ये सिर्फ 4 बॉक्सेस बनाओगे। अभी ये जो 4 बॉक्सेस बनाओगे उसमें का एक बॉक्स होगा वो भी काफ़ी बड़ा होगा, आपके ड्राइंग के साइज के ऊपर निर्भर है, वो भी काफ़ी बड़ा होगा। और ये पॉइंट आपको ये डिटेक्ट करता है कि ये जो पूरी की पूरी ड्राइंग होगी वो, समझो ये जो बॉक्स है 4 बॉक्स में का एक बॉक्स, समझो पूरी की पूरी ड्राइंग है, तो आप ये ड्राइंग भी फ्री हैंड कर रहे हो। अगर आपने ये बॉक्स फ्री हैंड बहुत आराम से कर लिया तो आप बड़ा बॉक्स, मतलब जो बड़ी की बड़ी ड्राइंग होगी फ्री हैंड वाली, वो भी आराम से कर लोगे। इसलिए ग्रेड्स ना ये एक स्टेप हमें आगे लेके जाता है फ्री हैंड की तरफ, अगर आप इसका सही इस्तेमाल करो तो। सो इसलिए कहते हैं ग्रेड्स हैं वो एक आपको स्टेप्स आगे लेके जाते हैं फ्री हैंड की तरफ। पॉइंट नंबर थर्ड, हाउ ग्रेड ऑल्सो इंक्लूड फ्री हैंड स्टडीज। अभी फ्री हैंड स्टडीज में क्या क्या रहता है सबसे पहले वो देख लेते हैं। फ्री हैंड स्टडी में हम देखते हैं प्रोपोर्शंस, मेजरमेंट्स, पोजिशनिंग्स, एंगल्स और बहुत सारी चीजें जो हम फ्री हैंड स्टडीज में देखते हैं।
अभी वो हम ग्रेड में कैसे अप्लाई करते हैं मैं आपको सबसे पहले वो बताती हूँ, मतलब हमें जो फ्री हैंड के जो स्टडीज होते हैं वो ग्रेड्स में कैसे यूज होते हैं मैं वो बता देती हूँ। सबसे पहले हम इसमें का एक बॉक्स पकड़ लेते हैं, कोई भी बॉक्स, फॉर एग्जाम्पल ये वाला बॉक्स, हमने ये वाला बॉक्स पकड़ा। अभी इसमें फ्री हैंड स्टडीज कैसे इन्वॉल्व होती है मैं आपको वो बताती हूँ। हम फ्री हैंड करते हुए वक्त क्या क्या देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं एंगल्स। अभी आप जब ये लाइन बनाओगे तब आप ये भी देखोगे कि इसका एंगल कहाँ से आ रहा है, क्या ये स्ट्रेट है, ये वाले कुछ ऐसे स्ट्रेट है, नहीं इसका एंगल थोड़ा सा कर्व जा रहा है, हम ये भी देखते हैं, मतलब एंगल्स देखते हैं। दूसरा चीज पोजिशनिंग, हम फ्री हैंड में भी देखते हैं कि पोजिशनिंग कौन से लाइन कहाँ तक आएगी, तो हम पोजिशनिंग भी देखते हैं, राइट, कितना एंगल है मतलब कितना डिस्टेंस है हम वो भी देखते हैं। अगर हम ये भी देखते हैं कि नेगेटिव स्पेस कितना आ रहा है, वैसे ही हम फ्री हैंड स्टडीज में ये सारी चीजें देखते हैं। अगर मैं आपको एक बड़ी बड़ी ड्राइंग दे दूं, फॉर एग्जांपल दिस, ये जो है अभी इसके अंदर हम क्या क्या देखेंगे, हम एंगल्स देखेंगे फ्री हैंड के अंदर भी, एंगल्स देखते हैं, पोजिशनिंग देखते हैं, सेंटरिंग देखते हैं, इसका सेंटर पॉइंट कहाँ पे आ रहा है। हम फ्री हैंड में भी ये देखते हैं कि ये अभी वुमेन खड़ी है तो इसके कौन से पार्ट तक ये ह्यूमन आता है, मतलब इसके अंदर का डिस्टेंस हम देखते हैं, राइट। तो ये डिस्टेंस हम ग्रेड्स में भी देखते हैं और हमारे फ्री हैंड स्टडीज में भी देखते हैं। सो जो जो कॉन्सेप्ट फ्री हैंड में यूज होते हैं ना, सेम कॉन्सेप्ट हमें ग्रेड्स में भी यूज किए जाते हैं। इसीलिए जो जो कॉन्सेप्ट हमें ग्रेड्स में देखा जाता है, मतलब फ्री हैंड स्टडीज में देखा जाता है, सेम कॉन्सेप्ट हम ग्रेड्स में भी यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ भी हम फ्री हैंड स्टडीज ही कर रहे होते हैं। बस पॉइंट इतना है कि हमारे साइजेस बदल जाते हैं, ग्रेड्स में हम कभी छोटे साइज लेते हैं और फ्री हैंड स्टडी में ऑब्वियस है हम बड़े साइज ही लेंगे, इसलिए दोनों के जो थॉट प्रोसेस होता है वो सेम होता है। अब पॉइंट नंबर 4, हाउ डू ग्रेड्स इम्प्रूव अवर फ्री हैंड स्किल्स। ग्रेड्स हमारी फ्री हैंड स्किल्स भी इम्प्रूव करता है। जब हम ये छोटे छोटे बॉक्सेस बनाते हैं, इसके अंदर के जो पोजिशनिंग्स, एंगल्स, मेजरमेंट्स, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं, तो हमें एक आदत सी लग जाती है कि हम ये सारी चीज़ें बार बार जज करें। मतलब हम छोटा बॉक्स भी बना रहे हैं तो हम यही सोचते हैं कि ये वाला एंगल कहाँ से कहाँ तक आएगा, ये वाली लाइन कहाँ कितनी आएगी, कौन सा पॉइंट कहाँ पे आएगा, कौन सा पोजिशनिंग कहाँ पे होगा, ये सारी जो थॉट प्रोसेस होता है वो हमारे दिमाग में चल रहा होता है और इसकी हमें प्रैक्टिस भी हो जाती है, इसकी हमें आदत भी लग जाती है। वो सारी की सारी चीज़ें हम हमारे फ्री हैंड स्टडीज में भी यूज़ करते हैं, इसी वजह से ग्रेड हमें हमारी जो ड्राइंग स्किल होती है, फ्री हैंड ड्राइंग स्किल होती है, उसको भी इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। इसलिए ग्रेड मेथड इज एन इम्पॉर्टेंट। एंड नाउ इम्पॉर्टेंट फिफ्थ पॉइंट, हाउ डू डिफरेंट लेवल ऑफ ग्रेड्स इम्पैक्ट योर ग्रोथ। ग्रेड्स के जो अलग अलग लेवल्स होते हैं वो हमारे ग्रोथ के ऊपर कैसे इम्पैक्ट करते हैं। अभी ग्रेड्स के कौन से लेवल, जैसे मैंने आपको बोला कि आप स्टार्टिंग में स्मॉल बॉक्सेस से स्टार्ट करोगे, जैसे 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, फिर बाद में धीरे धीरे करके आप इसको बढ़ाते जाओगे और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि पूरी की पूरी ड्रॉइंग में सिर्फ दो पार्ट्स होंगे, राइट। अभी ये जो डिफरेंट लेवल होते हैं ना, वो आपको धीरे धीरे हेल्प करते जाते हैं कि आप फ्री हैंड कैसे स्टडी कर रहे हो, मतलब एंगल्स कहाँ से ले रहे हो, मेजरमेंट्स कहाँ से ले रहे हो, पोजिशनिंग कहाँ पे देख रहे हो, ये सारी की चीजें ना आपको ज्यादा ध्यान लगा के सोचना पड़ता है जब आप अपनी ग्रिड की साइज बढ़ाते हो। धीरे धीरे आपकी जो ग्रोथ है ना वो ज्यादा होती जाती है जब आप आपकी ग्रिड्स की साइज बढ़ाते हो, क्योंकि आप स्टार्टिंग में इतने छोटे बॉक्स में कर रहे थे, अभी आपको ये छोटी साइज आपको इतनी बड़ी दिख रही है। अभी यहाँ पे आपको ज्यादा दिमाग चलाना पड़ेगा, ज्यादा देखना पड़ेगा कि लाइन कौन सी लाइन कहाँ से आ रही है और कौन सी चीजें कैसे यहाँ पे प्रोसेस हो रही है, तो ये सारी चीजें आपको ज्यादा सोचना पड़ता है, जिसकी वजह से आपकी जो ड्रॉइंग स्किल्स होती है फ्री हैंड वाली भी वो और ग्रोथ पे आपके बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करने लगता है, मतलब अगर आप अपनी लेवल्स बढ़ाते हो तो। अभी ये थी वो सारी चीजें कि आप ग्रेड मेथड की जो ट्रैप है, मतलब आप उसी में जो फंस गया उससे बाहर कैसे निकले, और ग्रेड इम्पोर्टेंट हमें क्यों होता है, और इससे हम फ्री हैंड की तरफ कैसे जाए, ये सारी चीजें हमने इस पूरे वीडियो के अंदर कवर की। अभी नेक्स्ट वीडियो जो होगा ना, उस वीडियो में हम देखेंगे कि ग्रेड मेथड के अलग अलग टाइप्स क्या होता है, मतलब ग्रेड मेथड हम लाइव ग्रेड हम कैसे प्रैक्टिस करें, या फिर ग्रेड की छोटी साइज से बड़ी साइज में कैसे जाए, ग्रेड के अंदर क्या थॉट प्रोसेस होता है उसको हम डिटेल में जानेंगे, कैसे शेप्स यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, हमें सोचना क्या पड़ता है, ये सारी जो चीजें होगी ना वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो
डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, जिसकी वजह से आपकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसकी लिंक आपको बहुत इजीली आपके नोटिफिकेशंस में आ जाएगी. ओके सो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.